कर्नल अजय जी, यहीं से बात करें अगर कमोडिटी बाजार की, तो कृषि फसलों में आज आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपसे कपास खली के ऊपर, बिनौला खल के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल में लगातार तेजी बनती नजर आ रही है। वायदा बाजार में बिनौला खल 3300 के पार जा चुका है। ये वही लेवल है जो हमने 2021 में हाई लगते हुए देखे थे। अब 2022 में उन हाई से शुरुआत हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, बिनौला खल का बाजार अब आने वाले समय में कैसे रह सकता है? देखिए, बिनौला खल के अंदर कपास की जो अराइवल है वो लगातार घटती जा रही है। किसान माल, अच्छी क्वालिटी का माल तो बाजार में ला ही नहीं रहा है, और दागी माल कुछ बाजार में उपलब्ध है, पर जैसे जैसे अराइवल में कमी आती जाएगी, सीड की उपलब्धता कम होगी और इससे खली का भी उत्पादन के ऊपर प्रभावित होगा, एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे जो ऑयल सीड्स हैं, जैसे सरसों है, सोयाबीन है, उनके अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर अच्छी तेजी बन रही है। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, अमेरिका है, वहां भी मौसम की प्रतिकूलता बन रही है, इससे सोयाबीन के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी तेजी दिखा रहे हैं और इसका प्रभाव भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। तो इसका सीधा सीधा असर उनकी डीओसी पर भी पड़ता है और उससे भी कपास खली के भाव के अंदर तेजी बन रही है। तो गौरतलब है कि पशु जो डेयरी उद्योग है या डेयरी फार्मिंग है, उसके अंदर कपास खली अपने भावों के कारण सबसे अधिक आकर्षित होती है, क्योंकि इससे इसको पशु भी पसंद करते हैं और भाव भी बारा खाता है। यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है कपास खली की तेजी के लिए। कपास खली अपने उच्चतम स्तर पर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमने आपको दिया भी था। लेकिन मेरा यही कहना होता है कि जब भी कपास खली हो या कोई भी कमोडिटी हो, यदि आपके पास 100 टन माल है या 100 क्विंटल माल है, तो उच्चतम स्तर के ऊपर कुछ माल जरूर बेचना चाहिए। ये एक जानी मानी व्यापारिक तकनीक है कि यदि आपके पास 100 टन माल है और जब आपको भाव उच्चतम मिल गए हैं, तो 30-40 टन आपको उसमें अपना माल मुनाफा वसूल जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाजारों के अंदर उतार और चढ़ाव चलता है। जो समय पर मुनाफा नहीं वसूल करता है वो फिर बाद में पछताता है। लेकिन कुल मिला के कपास खली का ट्रेंड पॉजिटिव है, आज भी मजबूती की संभावनाएं बन रही हैं, तेजी बन सकती है। लेकिन मेरी नजरिया ये रहता है कि जब बाजारों में गिरावट हो उस वक्त माल खरीदें, और जब बाजारों में तेजी हो तो अपना माल बेचें। ये व्यापारिक नीति है। सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन, ओवर लिवरेज, ओवर ट्रेडिंग, एक रुपया पास में 100 रुपए का काम करना, एक ही दिन के अंदर अमीर बनने की या की जो लालसा, ये बाजारों को विपरीत करती है और ये परेशानी में डालती है। तो हमेशा मेरा यही कहना है कि कुछ मुनाफा वसूल करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लेकिन कुल मिला के ट्रेंड पॉजिटिव है। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि बिनौला खल का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।